चिकन अभी बिल्कुल तैयार हो गया है, अभी हम चावल निकालते हैं, चावल को छान लेते हैं। चावल भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इसमें सिर्फ एक कनी रह गई है, तो अभी निकाल के जो है ना ड्राई करते हैं, उसके बाद इसमें चावल अभी हमने छान लिए हैं और चावलों को डालते हैं चिकन। आँच बिल्कुल अभी स्लो कर देते हैं क्योंकि तेज़ आँच में जो है ना नीचे लगने का खतरा होगा। अभी डाल रहे हैं चावल, बिस्मिल्लाह। चावल डाल दिए हैं और अभी लगा देते हैं इसको दम। मिक्स नहीं करो भाई, मिक्स नहीं करो। अभी हम लोग रख लेते हैं तवा, और तवे का ये फ़ायदा है कि चावल नीचे से चावल या गोश्त वगैरह लगेगा नहीं। और ये आपने 15 से 20 मिनट लगाना है क्योंकि चावल तो तैयार है। 15 से 20 मिनट तक आप के बिरयानी बिल्कुल रेडी होगी और उसके बाद आप मज़े लेके खाएं। अभी जो है ना हम फूड कलर डाल देते हैं। फूड कलर आप अपनी चॉइस ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, डालना चाहते हैं तो डाल लें क्योंकि बिरयानी का लुक आ जाएगा, खूबसूरत अच्छी लगती है। वो आप डाल लेते हैं, वो अगर आपके पास चटनी बनी बची हुई या पानी में या दूध में या किसी चीज़ में भी आप डाल सकते हैं। फूड कलर अच्छा, ये जो है ना आपने एक साइड पर या आप तीन चार लाइनों के अंदर डाल दें। इससे बिरयानी के लोग ज़बरदस्त आती है। और अभी कर देते हैं इसको बंद। ये बंद कर दिए, अभी जो है ना 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे अच्छी तरह पक जाएगा, जो गोश्त वगैरह भी होगा वो भी टेंडर हो जाएगा और बिरयानी भी ओके हो जाएगी। ये बन गया है सलाद, ज़बरदस्त लुक आ रही है, जिसमें है खीरा है, लीमू है, सब मिर्च है, टमाटर है और ज़बरदस्त चीज़ें हैं और इसमें प्याज भी है। ये सलाद है, खीरा, लीमू, सब्ज मिर्च, टमाटर, पुदीना, प्याज, ज़बरदस्त लुक आ रही है। लो जनाब हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी होगी, अभी हम लोग सर्व करते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, ज़बरदस्त मज़ेदार बिरयानी तैयार होगी। बिरयानी बिल्कुल रेडी है, अभी हम इंशाल्लाह सब घर वाले खाते हैं और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अच्छे से कमेंट करें और आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब लोगों के साथ, बहन भाइयों के साथ। तो इंशाल्लाह हमारा ये रोज़ कोशिश करेंगे, उम्मीद है आप लोग हमारी हेल्प हौसला अफजाई करेंगे और आप लोगों के लिए ज़बरदस्त। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और पसंद करें और अच्छे अच्छे कमेंट करना। आप लोगों के बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।